नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और दोस्तों आज के डेट में हम लोग एक नया निबंध देखेंगे भारत और कैशलेस अर्थव्यवस्था यह आपका यू पी पी सी एस मीन्स जो कि आपका 21 जनवरी से होने जा रहा है तो 2020 का मुख्य परीक्षा है आपकी तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इक्कीस के लिए और बीस के लिए ठीक है ध्यान रखिएगा दो हज़ार इक्कीस और बीस के लिए दोनों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये जो निबंध है दोस्तों निबंध आपको सात सौ शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है सात सौ वर्ड में आप लोगों को लिखना होता है निबंध को और यह जो निबंध है निबंध जैसे देखिए कोई भी निबंध है लिखने से पहले आ, कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बॉडी पार्ट है कंक्लूजन पार्ट है तो तीनों में एक एक कोटेशन कविता श्लोक मूवी के गीत बोल इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और जो एक निबंध होता है निबंध में प्रॉपर तरीके से आप फ्लो चार्ट का भी उपयोग करिए डायग्राम का उपयोग भी करिए और पॉइंट्स के फॉर्मेट में भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जिससे आपका प्रस्तुतिकरण जो होता है प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका अच्छा हो जाता है तो जो आज का निबंध है उसको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए और जो एंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है दोस्तों और निबंध की भी प्रैक्टिस जो है आप लोग डे बाय डे जब भी आपको दिया जाता है चैनल पर और ग्रुप में तो आप लोग उसको उसी दिन कर लिया करिए ठीक है जो ये निबंध है दोस्तों निबंध को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे इसके पीडीएफ आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है 2020 का उसमें आप लोगों को मिल जाएगी और 2020 और 21 का दोनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी और यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके आइए जो आज का निबंध है निबंध को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो देखिए भारत और कैशलेस अर्थव्यवस्था तो सबसे पहली बात यही होती है कि आखिर कैशलेस अर्थव्यवस्था होती क्या है आखिर कैशलेस इकनॉमी जो है नकदी रहित अर्थव्यवस्था क्या होती है तो सीधा सा मतलब आप लोग इसका मतलब भी आ, सभी लोग जानते ही होंगे कि जहाँ पर ध्यान रखिएगा जहाँ पर जो पैसे का लेन देन जो है वो नोट और सिक्कों के माध्यम से न होकर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपीआई के माध्यम से हो उसी को कैशलेस अर्थव्यवस्था कहते हैं जैसे भारतीय समाज को पूर्ण रूप से नकदी अर्थव्यवस्था में हो इसीलिए ध्यान रखिएगा इसीलिए कैशलेस अर्थव्यवस्था को लाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या है जो इंडियन इकनॉमी है तो इंडियन इकनॉमी को नगदी जु, पर जो निर्भरता है ठीक है तो उस निर्भरता को कम करना ठीक है इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोटों का विमुद्रीकरण किया था अब देखिए बंद किए थे मतलब इस दिन से आठ नवंबर 2016 से 1000 और 500 के जो नोट थे उनका वो प्रचलन में नहीं थे ठीक है अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे उस दिन से तो ये इसका उद्देश्य क्या था उद्देश्य ये था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान रखिएगा नगदी रहित करना मतलब सारी की सारी चीज़ें जो भी लेन ले, देन हो जो भी आ, आप पेमेंट करते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकी का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करके आप इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से चीज़ों को करें नकदी रहित लेन ले, देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए यह जो विमुद्रीकरण किया गया था इसी चीज़ के लिए किया गया था डिजिटल इंडिया का यह हिस्सा माना जाता है कि डिजिटल इंडिया को अगर सफल बनाना है तो आपको जो कैशलेस अर्थव्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से अपनाना होगा ठीक है तो ये हिस्सा माना जाता है अब देखिए जो नगदी रहित प्रणाली है ठीक है ध्यान रखिएगा जो नगदी रहित प्रणाली होती है तो उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक कदम कौन कौन से थे सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से थे तो अब एक एक करके हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे देखिए पहली चीज़ क्या है कि लेन देन अच्छा होता है स्वच्छ होता है पारदर्शी होता है उसमें भाई जो चोरी है या इधर उधर नहीं होता है ठीक है गोपनीयता नहीं रहती है और आप जो भी चीज़ें करते हैं वो बैंक के माध्यम से करते हैं चोरी कम होती है आयकर जो इनकम टैक्स जो होता है वो सरकार को अधिक मात्रा में मिलने लगता है जो बिचौलिए होते हैं बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है ठीक है तो इसी के लिए नकदी रहित प्रणाली को अपनाया गया काले धन पर भी भ्रष्टाचार काले धन पर भी वार होती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है काले धन पर किस तरीके से लगती है कि भाई अगर कोई ब्लैक मनी रखा है तो अब अगर सौ सौ जो आपके हज़ार के नोट हैं और पाँच सौ के नोट हैं अगर वो लीगल टेंडर नहीं हैं तो उस दिन से वो नोट बेकार हो जाते हैं कागज के स्वरूप हो जाते हैं तो फिर वो जो मनी है वो बेकार हो जाती है ठीक है भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उस पर भी लगाम लगती है जो आयकर विभाग है आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है तो उसकी निगरानी भी आसानी से कर सकता है क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होते हैं बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से होते हैं बैंक के माध्यम से होते हैं तो होता क्या है कि भाई उन्होंने डेटा देखा किस किसने कितना कितना ट्रांजैक्शन किया है क्या नहीं किया है कितना लेन देन हो रहा है तो इन चीज़ों पर निगरानी बहुत आसानी से रखी जाती है ये बहुत अच्छी बात है अगली चीज़ क्या है लेन देन में आसानी होती है कि भाई अगर आपको दस हज़ार रुपये किसी को देने हो तो आप बैंक में जाकर पहले या तो उसको कैश मनी दीजिए जाकर उसके घर पे ठीक है थोड़ी देर के मान लीजिए कि आपके दोस्त का घर जो है वो आपके घर से पैंतालीस किलोमीटर दूर है अब इतने में क्या होगा कि आपको दस हज़ार रुपये देने हैं उसको अब या तो आप जो है उसको कैश दीजिए जाकर ठीक है पैंतालीस किलोमीटर का सफ़र करिए तब जाइए और एक माध्यम है कि आप बैंक के माध्यम से अपने फ़ोन पे या गूगल पे या अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं एन और एस जो भी मतलब कई प्लेटफॉर्म होते हैं ठीक है तो उनके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके आप मिनटों में पैसे को अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन इसमें आपका अकाउंट ब्यौरा वो बैंक के पास में होगा ही होगा तो ये अच्छाई ही होती है तो जो लेन ले देन होता है आसानी हो जाती है और समय की बचत भी होती है योजनाओं जैसे मान लीजिए किसी जो सरकारी योजना है उसका लाभ जो है लाभार्थी को सीधे खाते में मिल जाता है अब अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से नहीं देते हैं कैश देते हैं तो बीच में अगर मान लीजिए दो बिचौलिए हैं या बीच में जो सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं अगर वही बीच में पैसा खाने लगे देने के लिए तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी ठीक है तो इन चीज़ों से बचने के लिए नकदी रहित प्रणाली को अपनाया गया बैंकों के खर्चे जैसे आर का खर्चा भी बचता है कि भाई जो नोट प्रिंटिंग है वो भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में करवानी पड़ती है तो ऐसे में क्या होगा सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं अगर ऑनलाइन होंगे तो फिर ये समस्याएँ नहीं रहेंगी और क्या है जैसे जाली नोट हैं खोटे सिक्के हैं इन पर भी नियंत्रण लगेगा ठीक है कि भाई ये चीज़ें जब होंगी ही नहीं होंगी भी तो बहुत कम मात्रा में होंगी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो होंगे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होंगे और क्या है निवेश के लिए एक अच्छा माहौल भी बनेगा और सुशासन स्थापित करने में भी यह मददगार साबित होगा ठीक है तो ये आपके जो नगदी रहित प्रणाली होती है तो नकदी रहित प्रणाली की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक कदम है अब देखिए नकारात्मक कदम कौन कौन से हैं अब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है तो जब नोटबंदी की गई थी तो नोटबंदी के समय लगभग सात दिनों तक के अंदर अंदर पेटीएम के ध्यान रखिएगा पेटीएम बैंक उसी समय लाया गया था तो ढाई करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन मात्र सात दिनों में हो गया था 2017 में ध्यान रखिएगा 2017 में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या जो है वो पैंतालीस करोड़ थी भारत में तो ये कुछ डेटा है जो निबंध है निबंध में ऐड करने के लिए अगली चीज़ क्या है भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की बाधाएं कौन कौन सी हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं कौन कौन सी अड़चने हैं तो अब एक एक करके उनको भी देखते हैं जैसे भारत जैसे बड़े देश में आ, बहुत सारी देखिए हमारे यहाँ जो भारत की आबादी है लगभग अगर वर्तमान तक देखेंगे तो 135 करोड़ आ, तक पहुँच गई है ठीक है 135 सौ पैंतीस या सैंतीस राउंड समथिंग अब इतनी बड़ी आबादी में और जो हमारा जो देश है वो विकासशील देश है कृषि प्रधान देश है और इसमें क्या है कि जैसे जो इंटरनेट की उपलब्धता है आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तब तो ठीक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो यही जो इंटरनेट की उपलब्धता है वही नहीं है इसके साथ में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अच्छी इंटरनेट का इस अच्छी स्पीड का इंटरनेट चाहिए और इसके साथ में आप सोच कर देखिए किसी ग्रामीण व्यक्ति को अगर फोन पे या गूगल पे इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो इंटरनेट की उपलब्धता है वो हमारे यहाँ अभी भी वर्तमान में सर्वत्र नहीं है अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं और जो एक वित्तीय साक्षरता होती है ध्यान रखिएगा एक फिनेंशियल एजुकेशन जो होती है ठीक है तो वित्तीय साक्षरता भी जरूरी है कि भाई आपने सुविधाएं योजनाएं चला दी आपने बेहद कर, कर दिया अब जो चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए फ़ोन पे किसी को चलाना ही नहीं आता या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप किस तरीके से करना है अगर किसी को नहीं पता तो वो चीज़ें इस तरीके से नहीं कर सकता तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है अब हमारे देश में लगभग तीस परसेंट आबादी ही है आप सोच कर देखिए कि लगभग जो आपका एक एक अरब पैंतीस करोड़ आबादी है हमारे यहाँ की इसमें से तीस परसेंट आबादी केवल इंटरनेट का उपयोग करती है अब आप सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी मात्रा में जो हमारे यहाँ देश के लोग जो हैं वो अभी इंटरनेट से अछूते हैं ठीक है तो और क्या अन्य समस्या है जो कैशलेस इकनॉमी या कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है तो इसमें जिसे इस स्मार्टफोन की भी कमी है हमारे यहाँ अभी भी जो गाँव का देश ही कहा जाता है और स्मार्टफोन की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है 36 परसेंट लोग जो हैं 36 परसेंट लोगों के पास भारत के कुल लोगों की संख्या में 36 परसेंट लोगों के पास अभी स्मार्टफोन हैं बाकी के लोगों के पास में नहीं आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली करती हैं ठीक है और क्या है कि जैसे इंटरनेट की धीमी गति भाई इंटरनेट जहाँ पर उपलब्ध भी है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं शहरी क्षेत्रों में जो बाहरी वाले क्षेत्र जो होते हैं तो उनमें अगर इंटरनेट की स्पीड मिली भी है तो बहुत धीमी है जो उसका पेज लोड होने का जो समय होता है 5.5 सेकंड होता है जबकि चाइना में अन्य देशों में क्या है चाइना में जैसे टू पॉइंट है अन्य देशों में बांग्लादेश और अन्य जगहों का डेटा अलग अलग, अलग। लेकिन भारत से ज़्यादा ही कम ही है ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड है उसका भी इश्यू बहुत बड़े दिक्कत करेगा अगली चीज़ क्या है पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की कमी की जैसे जहाँ पर आपने देखा नहीं होगा कि जहाँ पर आप कार्ड शॉप करते हैं या मशीनें जिनके माध्यम से आप सेल होती है ठीक है तो ऐसी मशीनों की भी हमारे यहाँ कमी है कहा जाता है कि यह आंकड़ा है कि 10 लाख की आबादी पर 856 मशीनें हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम है एक मुद्दा और बनता है कि डाटा की सुरक्षा ठीक है डाटा की सुरक्षा क्योंकि सेंधमारी बहुत ज़्यादा होती है अब मान लीजिए किसी ने फोन पे ऐप या गूगल पे या इन्हीं ऐपों का इस्तेमाल कर रहा है अब इनमें भी सेंधमारी होने लगी है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होने लगी है अगली चीज़ क्या है साइबर सुरक्षा कि जैसे 2017 में यह कहा गया था कि एस के लगभग बत्तीस लाख डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चोरी हो गए तो ऐसी समस्याएं अगर आप अगर जिनका डेटा लीक हो रहा है या जो क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है अगर वही इस तरीके से चोरी हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है एक साइबर जो सुरक्षा होती है जो साइबर हमले हैं ये भी कैशलेस इकनॉमी के सामने अपनी बाधा उत्पन्न करेंगे और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन धोखाधड़ी भी होती है फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है तो होता क्या है कि मॉलवेयर के माध्यम से एक सॉफ़्टवेयर के माध्यम से आपके फ़ोन को पूरा हैक कर लेते हैं अपने सिस्टम आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं तो इससे क्या है पूरा का पूरा डेटा उस हैकर के पास में चला जाता है और आपकी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसके पास में चली जाती है और आपका पैसा भी चला जाता है ठीक है तो ये बहुत बड़ी समस्या है अगली चीज़ क्या है अगली चीज़ है कि लोगों तक पहुँच कम लोगों तक पहुंच कम का अर्थ ये होता है कि जैसे जो कैशलेस इकोनॉमी है अभी हमारे यहाँ वित्तीय समावेशन हुआ है लेकिन वित्तीय समावेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है ठीक है कि भाई फाइनेंशियली रूप से लोगों को जो वित्तीय सेवाएं हैं उनसे जोड़ना ठीक है तो हमारे यहाँ क्या है भाई मोस्टली आबादी जो है वो गाँव में बस्ती है अब बैंकिंग व्यवस्थाएँ जो हैं बैंकिंग सिस्टम जो है अब धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार हो रहा है प्रसार हो रहा है विस्तार हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से वंचित हैं तो ऐसे में अब अगर कैशलेस इकोनॉमी की बात करेंगे तो कैसे कर पाएंगे जब उनके तक जो मूलभूत सुविधाएँ जो बैंकिंग की सुविधाएँ वही नहीं पहुँच पा रही ठीक है और एक चीज़ और होती है कि जागरूकता ही नहीं है बहुत सारे लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग जाइए तो बहुत सारे लोग हैं अभी भी उनके अंदर मानसिकता यही बनी हुई जागरूक नहीं है वो लोग कि भई हमें बैंक में पैसा रखना है वो लोग सोचते हैं मैं अपने घर में ही भैया उसको ज़मीन के नीचे गाड़ कर या जिस तरीके से भी जहाँ भी उनको ठीक लगता है वो अपने घर पर रखना ठीक समझते हैं ठीक है चीके? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो नगदी अर्थव्यवस्था है उसके सामने अब आइए अगली चीज़ देखते हैं कि जैसे कैशलेस इंडिया है तो उठाए गए सरकार के द्वारा कदम कौन कौन से जो कैशलेस इंडिया है या कैशलेस अर्थव्यवस्था है या कैशलेस भारत है तो उसको बढ़ाने के लिए उसका विस्तार करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं तो देखिए सबसे पहले चीज़ यह है कि सरकार के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया था मोबाइल ऐप जिसको भीम ऐप भी कहा जाता है ये आपका यू आधारित यह सेवा होती है जिसके माध्यम से आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यू का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ठीक है तो इसको शुरुआत किया गया था भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को अगली चीज़ क्या है तेज ऐप आप, आप लोगों ने सुना होगा सर्च इंगन जो है होता है गूगल तो गूगल के द्वारा अठारह सितंबर 2017 को इसको स्टार्ट किया गया था ठीक है जिसको नाम दिया गया था तेज ये भी एक पेमेंट गेटवे है पेमेंट सॉरी पेमेंट करने का ऐप है जिसके माध्यम से आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं और क्या है कि जैसे सरकार के द्वारा वित्तीय साक्षरता का भी प्रावधान रखा गया है डिजिटल भारत मिशन के तहत सभी को साक्षरता जो ऑनलाइन इंटरनेट ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है ठीक है और कई चीज़ें सरकार के द्वारा उठाई गई हैं कि जैसे ई वॉलेट कंपनियां हैं जैसे यू आधारित तो यह प्रणाली होती है जैसे आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग कंपनियों की है जैसे साइट्स पे है पे यू मनी है एयरटेल मनी है तो ये क्या है ई वॉलेट है ई वॉलेट के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं अगली चीज़ क्या है अगली चीज़ ये है कि सरकार के द्वारा यू आधारित जैसे यू यूनिफाइड जो आपका यूनिफाइड पेमेंट गेटवे जो होता है ठीक है तो इसको टू पॉइंट जीरो नाम दिया गया था ठीक है इसको बनाया गया था एन पी सी आई प्लस एस दोनों ने मिलकर बनाया था एन क्या है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है और एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर इस यू 2.0 को लाया गया था अब इसमें बहुत सारी सुविधाएं इस यू 2.0 के माध्यम से दी गई जैसे ओवर ड्राफ्ट अकाउंट को लिंक करना वन टाइम मैंडेट ये सारी की सारी सुविधाएँ जो हैं और बहुत सारी सुविधाएँ हैं तो इन सुविधाओं को यू पी के माध्यम से दिया गया था अब देखिए जो आपका कैशलेस इकोनॉमी है उसके आपने सकारात्मक नकारात्मक क्या होती है सरकार ने कब शुरू किया इसका उद्देश्य क्या था और इसकी कमियां क्या थी या बाधाएं क्या हैं ठीक है सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं कुछ कदम अगर आपको भी आपके माइंड में आता है तो उनको भी आप बताइए और निष्कर्ष में ध्यान रखिएगा निष्कर्ष में बेहतर तरीके से चीज़ों को आप लोगों को लिखना है ठीक है तो निष्कर्ष को आप लोगों को बेहतर तरीके से लिखना है निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष में आपको इस तरीके से बदलना है बताना है कि जैसे जो हमारा समाज है समाज को बदलना होगा एक नकदी अर्थव्यवस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था में जिससे जिससे जो समाज है समाज समाज में जो लोग हैं लोग अच्छे तरीके से अपने कार्यों को कर सकें ठीक है अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाना जिससे सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन होने लगे तो सरकार को भी फायदा होने लगेगा इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी अगली इसी में आप लोगों को निष्कर्ष में ये सारी के सारे पॉइंट्स देने हैं कि समाज की पुरानी आदतों को जैसे एक पुरानी आदत है कि भाई पैसा हम बैंक में जमा नहीं करेंगे ठीक है ऑनलाइन हम क्यों ट्रांसफ़र करें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सुरक्षित नहीं है तो इन सारी चीज़ों को बदलना क्योंकि देखिए समय के अनुसार समय के अनुसार दुनिया के साथ चलना ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है एक पारदर्शी जो ट्रांजेक्शन जो होता है पारदर्शी व्यवस्था जो होती है पेमेंट की उसको अपनाना और सभी लोगों को अपनाना जो भी लोग हैं इस तरीके से आप निष्कर्ष को बेहतर तरीके से देने का प्रयास करिए और कुछ पॉइंट्स अगर आपको भी लगता है अलग से ठीक लगता है तो उनको भी ऐड कर दीजिए ठीक है तो अच्छे से सात सौ शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है और इसके पी आप लोगों को यू पी पी सी और इक्कीस के पेड ग्रुप चल रहे हैं उनमें आप लोगों को मिल जाएगी जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं नंबर है नाइन वन फोर डबल जीरो एट फाइव वन सेवन एट पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू देखने के लिए